दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। दोस्तों, यदि आपके मार्क्स कट ऑफ से कम है तो आपके लिए यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको एक ऐसी खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है ताकि जो कि आपको जानकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट या खबर आती है तो आप तक उसको पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो खुशखबरी जिससे आप जानकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कट ऑफ जारी किया गया था उसमें जो मार्क्स दिए गए थे, यदि आपके नंबर उससे थोड़े कम है तो आपके लिए यहाँ जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं आखिर कितने कम नंबर तक यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा, पहली जो यहाँ पर कट ऑफ आई थी उसका कट ऑफ यहाँ पर था 225 हाईएस्ट था, लेकिन सेकंड कट ऑफ में उसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर 10-12 नंबर कम नीचे आ गया है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके कट ऑफ के हिसाब से नंबर नहीं आए हैं। दोस्तों, यदि आपके कट ऑफ के हिसाब से नंबर कम भी हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आखिर कितने कम तक नंबर तक यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल वालों की। तो दोस्तों, जनरल वालों की आपके कम से कम किसी शिफ्ट पहली शिफ्ट के 180, दूसरी या 200 या 205 वाले विद्यार्थियों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जनरल वालों का 190, 200 या 205 वाले विद्यार्थियों का भी यहाँ सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों आप जो यहाँ रिजल्ट आया था उसमें आप यह निश्चित तो नहीं हो पाया था कि कितने नंबर किस शिफ्ट के बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ लगभग यह सुनने में आया था कि सभी लोग यह बोल रहे थे कि लगभग 20 से 25 नंबर यहाँ पर किसी शिफ्ट के बढ़े हुए हैं। दोस्तों, यह डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हो जाता है कि आखिर किस शिफ्ट के यहाँ पर कितने नंबर बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह अनुमान बिल्कुल पूरी तरह से सही लगाया जा सकता है कि आपके यदि 190, 200 या 205 नंबर है जनरल वालों के तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की यहाँ पर 180, 185 या 195 नंबर होने के समथिंग भी यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप भी मान के चलिएगा आपका लगभग से लेकर 90% तो ऐसा कन्फर्म हो गया है। 100% तो दोस्तों हम नहीं बोल सकते क्योंकि आपको यहाँ पर झूठा दिलासा नहीं दिला सकते दोस्तों, लेकिन 90% यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पर 19% चांस जरूर हैं आपके सिलेक्शन होने के। दोस्तों, यदि आपके 180, 185, 195 आते हैं आपके अनुसार तो दोस्तों इतने नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में आराम से बढ़ जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एससी वालों की। दोस्तों, एससी वालों की भी यहाँ पर 150, 160 वालों के यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि एससी वालों की कट ऑफ ज़्यादा कम ही जाने वाली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यदि आपके पेपर में आपके हिसाब से सब माइनस माइनस मार्किंग की माइनस भी करके यदि आपके 150 या 160 नंबर आते हैं तो आप निश्चित मानिए है आपका सिलेक्शन लगभग होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे कम मार्क्स या कट ऑफ जाने वाले एसटी के बारे में। तो दोस्तों, एसटी वालों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है 120 से 130 के समथिंग यदि आपके यहाँ पर मार्क्स हैं तो देखिए आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आपका बहुत ही कम है एसटी वालों का। तो दोस्तों, यदि आपके 120 या 130 नंबर भी आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जो कट ऑफ जारी किया गया है उसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, आप निराशा मत हारिए। दोस्तों, यदि आपके नंबर कैटेगरी वाइज इसके आसपास हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लगभग 90% यहाँ पर चार्ज हैं। तो दोस्तों, यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल दौड़ को रनिंग कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप दौड़
क्लियर कर जाए और आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म भी मिल जाए। आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए और सक्सेसफुली पास करने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट टीचर के फ्री क्लासेस को जरूर देखें। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और सभी आने वाले एग्जाम के हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जिसको क्लिक कर आप हमारे एक्सपर्ट टीचर के फ्री क्लासेस को बिल्कुल देख सकते हैं और इसे देखकर आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो जल्दी करिए, नीचे इस देखो कि बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, इसमें आप आओ और मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके प्लेलिस्ट को ओपन करो और वो उसको जरूर 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 दो। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, ये सबका जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।